पार्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर को पढ़ेंगे, और फर्स्ट चैप्टर में हमने सब देख लिया है। तो आज जो हमारा दूसरा चैप्टर है उसका नाम है ईंधन एवं दहन। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2, और इसका नाम क्या है? ईंधन एवं दहन, मतलब फ्यूल्स एंड कंब्यूशंस, मतलब ईंधन किस प्रकार से दहन करके या प्यूरिफाई करके किस प्रकार से बनता है, इसके बारे में हमको जानना है ना। तो सबसे पहले इसमें हमको जानना है ईंधन, ईंधन होता क्या है ना। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, ईंधन वह होता है जिसको हम लोग जलाकर क्या करें, ऊर्जा प्राप्त करें, उष्मा प्राप्त करें, है ना। तो जैसा कि हमने लिख रखा है, आप देख सकते हैं, ईंधन वह पदार्थ होता है जो ऑक्सीजन के साथ जलकर, है ना, ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही, आप जानते हैं कि जो है कोई भी पदार्थ अच्छी तरीके से जल सकता है। तो ईंधन वह पदार्थ होता है जो ऑक्सीजन के साथ जलकर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार के ऊर्जा को किसी भी प्रकार से हम लोग परिवर्तित करके जो यूज करना रहेगा कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार के पदार्थ को ही क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं, ठीक है। तो ईंधन जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, और आगे हम लोग इसी प्रकार देख लेते हैं ईंधन का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, मतलब ईंधन कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे प्राप्त होते हैं। ईंधन क्या होता है? दो प्रकार के होता है मुख्यतः, जैसा कि आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। ईंधन क्या होता है? दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक ईंधन होता है, एक क्या, कृत्रिम ईंधन होता है। प्राकृतिक ईंधन का मतलब जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है, और कृत्रिम ईंधन का मतलब क्या होता है? जो हम आर्टिफिशियल अपने द्वारा क्या करते हैं, बनाते हैं, उसे क्या कहेंगे? कृत्रिम ईंधन, है ना। तो ये जो प्राकृतिक ईंधन होता है, यह निम्नलिखित कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। कैसा? ठोस, मतलब सॉलिड, और ये सॉलिड में जो होता है लकड़ी, पीट, कोयला आदि प्रकार के जो ईंधन होते हैं वो आते हैं, है ना। और द्रव ईंधन, मतलब पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब किस में आएंगे? द्रव ईंधन में, लिक्विड ईंधन। उसी प्रकार गैस होता है। गैस जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, LPG है ना, ये सब गैसें हैं। तो ये सब क्या है जो है? ये गैसीय ईंधन होते हैं, है कि नहीं। और जो कृत्रिम विधि से जो ईंधन बनाया जाता है, वह लगभग कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठोस जैसे चारकोल हो गया, कोक हो गया, चूड़ित कोयला हो गया, है ना। चूड़ित कोयले को ही क्या कहते हैं? पल्वेराइज्ड कोयला, आगे जैसा कि हम लोग देखेंगे। और लिक्विड हो गया, डीजल, एल्कोहल, पेट्रोल, ये सब है कि नहीं। इसी प्रकार गैसीय ईंधन में कोल गैस हो गया, ऑयल गैस हो गया, ये सब गैस के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो ये तो हो गया इसका क्लासिफिकेशन, ईंधन का कितने प्रकार के होते हैं, और ऊपर की हम लोग देखे कि डिफिनीशन ऑफ ईंधन, ईंधन के किसे कहते हैं, ये हमने देखा। इसी क्रम में आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, तो ईंधन का ही ये जो हमने अभी पढ़ा, उसी का क्लासिफिकेशन है। इसमें आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा सीधा सीधा कि आप बताइए ईंधन क्या होता है या कितने प्रकार के होते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए, है ना। तो ये आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोगों को मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ, इसी प्रकार से आप समझ के और अपने शब्दों में क्या करना है, लिख देना है। वैसे हम नोट्स की तरह एकदम तैयार करके आपको दिए हैं, यही नोट्स भी आप लिख सकते हो, और साथ ही साथ आप लोग नोट्स भी बनाते रहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स बहुत जल्द होने वाले हैं। तो बी प्रिपेयर रहिए, और जो है आइए देखते हैं ठोस ईंधन क्या होता है। ठोस ईंधन से तात्पर्य सीधा सीधा बात है, नाम से ही जैसा कि समझ में आ रहा है, ठोस ईंधन मतलब ठोस सॉलिड हो जो, है ना। जैसे प्राकृतिक ठोस ईंधन जैसे लकड़ी होता है, पीट होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस, आप लोग परेशान ना होइए, ये जो लीट पीट आप लोग पढ़ रहे हो, लिग्नाइट पढ़ रहे हो, इन सबको अभी नीचे विस्तार पूर्वक आपको समझाया गया है क्या होता है। एंथ्रेसाइट कोयला हो गया, तथा कृत्रिम ईंधन जैसे चारकोल, कोक और पल्वेराइट जैसे हमने कहा कोयला क्या होता है, ये सभी विस्तार पूर्वक अभी आप समझेंगे, है ना। तो ठोस ईंधन इतने प्रकार के होते हैं, प्रकृति से जो प्राप्त होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन है, लकड़ी, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन, एंथ्रेसाइट, ये कोयले के ही अपर रूप हैं। कोयले से ही यह एक रूप से दूसरे रूप में ज़्यादा प्योरीफाइड करके बनाया गया है ना।
उसी प्रकार कृत्रिम विधि द्वारा जो कोयला हमको या जो ईंधन प्राप्त होता है, चारकोल कहते हैं, कोक करते हैं, परवलाइज कोयला कहते हैं उसी को, ठीक है। तो इसी क्रम में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं लकड़ी कैसे हमको ईंधन में उपयोग करते हैं या किस प्रकार का ठोस है, ये तो सभी लोग जानते हैं लकड़ी, ठीक है। तो ये किस प्रकार से हम लोगों को ऊष्मा देती है इसके बारे में देखना है। इसका उपयोग आप लोग जानते हैं, लकड़ी भी एक प्रकार का ईंधन ही है, ठोस ईंधन के अंतर्गत आएगा। तो यह जो है अधिकतर आप लोग जानते होंगे गांव घरों में क्या करते हैं, लकड़ी चूल्हे पर खाना बनाते हैं, यानी तो लकड़ी को जला के ही बनाते हैं। तो वह क्या है, एक प्रकार का ठोस ईंधन है। इसमें होता क्या है, कैलोरी मान, उष्मीय मान, जैसा कि आप देख सकते हैं 10.8 मेगा जूल। मेगा मतलब 10^6, है ना, 10^6। तो 10.8 मेगा जूल प्रति किलोग्राम, एक किलोग्राम लकड़ी में कितना हमको जूल ऊर्जा प्राप्त होती है, 10.8 मेगा जूल, ठीक है। लगभग कितने से लेकर 17.6 मेगा जूल तक हमको बीच में प्राप्त होती है। ये डिपेंड करेगा कि लकड़ी कितनी सूखी है। अगर लकड़ी अच्छी खासी सूखी रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कैलोरी मान मिलेगा, जूल ऊर्जा मिलेगी। और अगर आप लोग खुद जानते हैं, अगर नमी युक्त रहती है तो लकड़ी ठीक से जलती है, नहीं जलती, तो अच्छी हमको ऊर्जा प्राप्त होगी, उष्मा प्राप्त होगी, नहीं प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसी में पीट है, जैसे जिड़क जिसे कहते हैं। अब पीट क्या होता है, यह भी लकड़ी से ही बनाया जाता है, लेकिन यह कोयले का प्रथम चरण में, जैसे लकड़ी को ही हम लोग जानते हैं, जैसा कि कृत्रिम विधि द्वारा जब हम लोग बनाते हैं कोयले को, तो क्या करते हैं, लकड़ी को ही जला के बनाते हैं, है ना। तो जो लकड़ी को जब जला के बनाते हैं तो उसमें जो हमको प्रथम स्टेज में प्राप्त होगा कोयला, है ना, तो उसको ही क्या कहेंगे हम लोग, पीट कहेंगे या जिड़क कहेंगे। यह भूरे रंग का होता है, या किस प्रकार का होता है, भूरे रंग का होता है। इसमें 56% कार्बन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, 33% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, 6% हाइड्रोजन होता है, 1% इसमें नाइट्रोजन होता है, यहाँ पे ये गलत हो गया है, नाइट्रोजन होता है, तथा 4% राख होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं इसमें मिला हुआ, जिड़क या पीट जिसे हम लोग कहते हैं, यह कोयले का ही एक रूप होता है। लेकिन जब कोयले को प्यूरीफाइड करते हैं, जो प्रथम चरण में हमको प्राप्त होता है कोयला, उसी को कहते हैं, है ना। धीरे धीरे हम लोग प्यूरीफाइड करते रहेंगे कोयले को, और लास्ट में सबसे अच्छा कोयला प्राप्त करेंगे, है कि नहीं। तो वही चीज़ है, आइए आगे देखते हैं। जिड़क हो गया, अब हम लोग इसी में देखते हैं अगला जो कोयले का रूप है उसे क्या कहते हैं, भूरा कोयला, या लिग्नाइट भी उसे कहते हैं। क्या कहते हैं, भूरा कोयला या लिग्नाइट। यह कोयले को परिवर्तित करने की द्वितीय स्थिति है, मतलब जब हम लोग कोयला प्राप्त करते हैं तो प्यूरीफाइड करते हैं, तो जो उसका सेकेंड स्टेज में हमको कोयला प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं, भूरा कोयला या लिग्नाइट। यह कोयले को परिवर्तित करने की द्वितीय स्थिति है। यह किस प्रकार का होता है, ब्राउन प्रकार का, मतलब भूरा रंग का होता है। जो कोयला हमको प्राप्त होगा वो किस कलर का होगा, भूरा कलर का होगा। इसका उष्मीय मान कितना होता है, 21.25 जूल प्रति किलोग्राम इससे प्राप्त होगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं। इसी में अगर हम लोग चौथा देखते हैं तो बिटुमिनस कोयला है। यह कोयले की प्रमुख स्थिति है, मतलब यह अच्छी खासी स्थिति होती है, इससे जो है अच्छा खासा हमको प्राप्त होगा। इसमें नमी केवल 4-6% तक रह जाती है, है ना, तो अच्छा खासा कोयला इससे प्राप्त होगा। इसमें 75-90% तक कार्बन होता है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, कोयला तभी अच्छा माना जाएगा जिसमें कार्बन की मात्रा क्या हो, बहुत अधिक हो। जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होगी वह कोयला क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, है ना। तो बिटुमिनस कोयला है। इसी प्रकार अगला है एंथ्रेसाइट कोयला। यह लकड़ी के द्वारा कोयले बनाने पर अंतिम रूप में जो हमको प्राप्त होता है, इसका मतलब सबसे अच्छा कोयला कौन होगा, एंथ्रेसाइट कोयला होगा। जो अंतिम रूप से हमको प्राप्त होता है उस कोयले को ही क्या कहते हैं, एंथ्रेसाइट कोयला। और यह सबसे बढ़िया होता है। क्यों बढ़िया होता है, इसमें 90% तक उच्चतम कार्बन पाया जाता है। हमने आपको बताया ना कि सबसे ज्यादा कार्बन जिसमें पाया जाएगा वही सबसे अच्छा कोयला होगा। तो आप देख रहे हैं एंथ्रेसाइट कोयला में क्या होता है, 90% तक लगभग कार्बन पाया जाता है। तो यह जो है सबसे ज्यादा ऊष्मा आपको देगा। और इसका कलर कैसा होता है, काला चमकीला कलर का होगा, भूरा ही टाइप का रहता है, कैसा होगा, चमकीला चमकीला होगा। तो यह एंथ्रेसाइट कोयला सबसे अच्छा कोयला होगा।
ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये तो हमको जो आर्टिफिशियल द्वारा जो हमें ज़मीन से प्राप्त होती है उसके द्वारा बनाने पर कोयला ये मिलता है ना। अब हम लोग जो कृत्रिम विधि द्वारा आर्टिफिशियल द्वारा बनाते हैं उसके बारे में देखते हैं। यह कोयला हमको ज़मीन से प्राप्त होता है, इसको हम लोग प्योरीफाइड करते हैं तो प्रथम स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, इस प्रकार से हमको प्राप्त होता है, है ना। तो इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कृत्रिम विधि द्वारा किस प्रकार से कोयले को बनाते हैं और कौन कौन से कोयला कृत्रिम विधि द्वारा प्राप्त होता है। जैसा कि ऊपर आपको बता दिया गया था कि कृत्रिम विधि द्वारा हम लोग कोयला प्राप्त कर सकते हैं, उसके नाम भी आपको दिए गए थे, है ना। तो उसी में पहला है लकड़ी कोयला। लकड़ी कोयला कैसे प्राप्त करेंगे, यह 280 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कितने 280 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वायु की अनुपस्थिति में, एयर नहीं उपलब्ध होना चाहिए, है ना, वायु की अनुपस्थिति में मतलब निर्वात में, इसमें लगभग इसे बनाया जाता है ना। जो लकड़ी का कोयला होता है इसको 280 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या करते हैं, वायु की अनुपस्थिति में इसको बनाया जाता है ना। इस प्रकार से जो लकड़ी का कोयले द्वारा कोयला हमको प्राप्त होता है इसमें 80 से 90% तक कार्बन पाया जाता है, मतलब बड़ा अच्छा होता है कि नहीं। अच्छा, इसी में कोक है एक अगला जो हमको लकड़ी द्वारा जो हम लोग कृत्रिम विधि द्वारा बनाते हैं, वो अगला हमारा जो टाइप्स है कोयले का वो क्या है, कोक है। इसको बिटुमीन कोयला भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, बिटुमीन भी कोयला कहते हैं, कोक को ही क्या कहते हैं, बिटुमीन कोयला भी कहते हैं। ये एक बंद कक्ष में, है ना, पूरा क्लोज्ड सर्कल होना चाहिए, वायु की अनुपस्थिति में 15 से 18 घंटे तक लगातार इसको 500 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख कर इसको बनाया जाता है, किसको, कोक, है ना। इसमें 27.30 मेगा जूल प्रति किलोग्राम तक ऊर्जा हमको प्राप्त होती है कि नहीं। तो इसमें भी अच्छा खासा है, बढ़िया है, है ना। तो इसी क्रम में अगर हम लोग आगे देखते हैं तो ब्रिकेट कोयला है अगला, क्या है, ब्रिकेट कोयला। यह कोयले की मजबूत पिंड ईंधन में परिवर्तन करने से प्राप्त होता है। जो कोयला हमको प्राप्त होता है उसको जो है हम लोग मतलब कि कई घंटों तक दबा के रखते हैं, है ना, बहुत वजनदार से इसको क्या करते हैं, दबा के रखते हैं, तो जो हमको कोयला प्राप्त होता है बहुत समय के बाद उसे ब्रिकेट कोयला कहते हैं। ब्रिकेट कोयला की दक्षता भी बहुत अच्छी होती है। अब बात कर लेते हैं चौथा, पल्वेराइज्ड कोयला है। जैसा कि हमने आपको ऊपर ही बताया, तो पल्वेराइज्ड कोयला जो कोयला होता है ब्रिकेट्स कोयला, इसी को हम लोग जब कोल मिल्स में, है ना, कोल मिल में क्या करेंगे, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं। जब छोटे छोटे टुकड़ों में इसे पीस देंगे तो जो कोयला मिलता है उसी को पल्वेराइज्ड कोयला कहते हैं। इसकी इफिशियंसी बहुत अच्छा होगी, क्यों अच्छा होगी, क्योंकि जब छोटे छोटे टुकड़ों में ये पिसा जाएगा तो अच्छी तरीके से चलेगा, जब अच्छी तरीके से चलेगा तो अच्छा उष्मा देगा, और अच्छा उष्मा देगा तो अच्छी बात है, मतलब अच्छा है कि नहीं। तो इसकी भी इफिशियंसी क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। अब हम लोग देख लेते हैं कोयले की संरचना, मतलब कोयले की क्या क्या स्थिति होती है इसके बारे में देखना है। तो जो हमको कोयला प्राप्त होता है ना, उसका आप देख सकते हैं कि अवयव प्रतिशत, मतलब नमी उसमें 3 से 30% तक हो तो ठीक है, और उसका वाष्पशील पदार्थ 3 से 50% तक होना चाहिए, राख हमको 2 से 30% बचे तो ठीक है ना। निश्चित स्थिति कार्बन, कार्बन उससे जो है फिक्स्ड कार्बन उसमें 156, ये गलत लिखा गया है, 15 से 29 होना चाहिए, है ना, किताब में ही गड़बड़ दिया है, 15 से 29% तक होना चाहिए। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, है ना, जो प्रत्यक्ष रूप से विश्लेषण करें हम कोयले को, अगर इस इतने के रेंज में मिल रहा है, किसी भी प्रकार का आपने कोयला बनाया है और इतने के रेंज में उसमें सारी चीज़ें मिल रही, तो वो कोयला क्या होगा, बड़ा अच्छा होगा। और इसमें देखते हैं हम लोग कार्बन कितना, 50 से 95% तक हो सकता है कोयले में, तो अच्छा ठीक ठाक है। हाइड्रोजन कितना, 2 से 5%, ऑक्सीजन कितना, 2 से 40%, और सल्फर उसमें कितना होना चाहिए, 5 से 3% तक होना चाहिए। उसी प्रकार नाइट्रोजन उसमें 5 से 7%, राख उसमें 2 से 30% तक अगर मिल रही है तो भी वह कोयला क्या है, ठीक है, अच्छा है। तो आपको मैंने ये बता दिया कि ईंधन क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और ईंधन कैसे बनते हैं, ये हमने आपको बताया।
है ना। तो इसी क्रम में आप लोगों को अगर पीडीएफ की आवश्यकता महसूस होती है, समझ में आती है, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वीडियो देखने में,